नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण हेतु संचालित निशुल्क राशन वितरण को अगले 3 माह तक और बढ़ाने का निर्णय आपकी सरकार ने लिया है। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक भ्रष्टाचारी नायब तहसीलकार को बेनकाब किया है। लोकायुक्त ने हनुमना तहसील के पहाड़ी व्रत में पदस्थ नायब तहसीलदार को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। दावा है आरोपी स्थगन आदेश को निरस्त कराने की एवज में रकम मांगी थी। रीवा संभागायुक्त कार्यालय सभागार में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण और संभाग में कानून और व्यवस्था की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पचमढ़ी में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन बैठक के अंतर्गत राशन वितरण व्यवस्था हेतु गठित समिति के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। सीएम श्री चौहान ने उपभोक्ता भंडार पर पुनर्विचार व इसका स्वरूप बदलने समेत महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने पचमढ़ी में आयोजित मंत्री परिषद की चिंतन बैठक में लाडली लक्ष्मी योजना के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया व 2 मई को पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाने के निर्देश दिए। इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर गाड़ियों की आवाज पर डांस करने वाले ट्रैफिक कॉप रंजीत सिंह अब देश के सीमावर्ती प्रदेश लद्दाख में यातायात संभालते हुए दिखाई देंगे। इंदौर के रंजीत सिंह देश के ऐसे पहले ट्रैफिक जवान हैं जो किसी दूसरे प्रदेश में जाकर यातायात के गुर सिखाएंगे। रंजीत 1 अप्रैल से 5 दिन तक वहां ट्रेनिंग देंगे। इंदौर संभाग के खरगोन जिले के गाँव में दिया जा रहा है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रशिक्षण। 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के तहत इंदौर संभाग के बड़वानी जिले के निवाली में 1,269 बच्चों का हुआ टीकाकरण। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने देवगुराड़िया स्थित बायो सीएनजी प्लांट का अवलोकन किया। इंदौर में शुक्रवार देर रात आए कोरोना बुलेटिन के अनुसार 2,274 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 2 पॉजिटिव आए। वहीं स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या रही 0। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।